नमस्कार किसान भाइयों, आज भाई अपने खेत में से गेहूँ की कटाई हो गई थी तो मशीन में से निकलवा रहे हैं हम, लान कटवाना बोल रहे हैं जैसे। ये देखो भाई 575 महिंद्रा, सॉरी 595 महिंद्रा, 595 सरपंच। तो ये भी लोड ले जा कभी कभी जब गारा ज़्यादा चला जाए इसमें। ये देखो बैक टू बैक बहुत बढ़िया लोड ले रहा है सब, परफॉर्मेंस अच्छी है। प्रीतम की ये मशीन है, प्रीतम सिंह, और ये जो है समराला की बनी हुई है। और भाई ये जो गेहूँ का बीज है ये हमारा है DBW कर्ण वंदना 187, और इसकी जो हमने एक खेत में और वो रखा था तो लगभग 3 क्विंटल का हमारे यहाँ तो एवरेज आया, बाकी किसी के यहाँ ज़्यादा भी आ जाए कुछ, जो वो डिपेंड करता है भाई कोई कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 क्विंटल बिकेगा, कच्चे बिकेगा। हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में लगभग 15 बीघे होते हैं, तो उस हिसाब से कच्चे बीघे में 3 क्विंटल का आया है बेच। और भाई बढ़िया परफॉर्मेंस है, भूस बहुत बढ़िया दे रही मशीन। कॉन्टेक्ट नंबर शायद इसमें आप अगर देख पाओ, प्रीतम सिंह की बनी हुई मशीन है। लग रही पूरी बैक टू बैक कूड़े ला रही, अंधेरा हो रहा भाई रात के टाइम है क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है, ये नहीं पता बारिश कब आ जाए, तो सोच रहे हैं कि भाई अपना टाइम से काम निपटे, क्योंकि पिछला सीजन गेहूं का बहुत बेकार गया था आप सभी को पता है। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे थे जिनके खेत में कटे हुए पड़े रहे और वे सड़ गए फिर बारिश होते होते, तो भाई भगवान ऐसा ना करे, तो उसी चक्कर में अपना टाइम से निकल जा। तो ये है अब इसका कॉन्टेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो और कितना के हुए एक टाइम पे निकाल लिए देखो, परफॉर्मेंस अच्छी है मशीन की, भूस बहुत बढ़िया, ज़्यादा मोटा भूस नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है, ठीक है एक एवरेज साइज में जितना चाहिए होता है जानवर के लिए भूसा बनाने के लिए ये। और भाई ये तो पूरा अंधेरा ही है। अच्छा भाइयों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।